ओके सर, सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कुछ टर्म जो मसल्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो मसल का हमेशा एक ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होता है, ठीक है, जिधर से मसल अटैच होते कहते हैं, दो जगह से मसल हमेशा अटैच होगा ना, एक इधर होगा एक इधर अटैच होगा, जो इसकी जो जगह फिक्स होती है वो ऑरिजिन होता है, जो जगह मूव करता है जिस तरफ से मसल, उसे इंसर्शन कहते हैं। पहले पहले ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती थी, अब ये टर्म्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ कहते हैं अटैचमेंट्स ऑफ मसल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट्स कहते थे, क्योंकि मसल ये पहले ये कहा जाता था कि वो एंड ऑफ मसल जो हमेशा फिक्स रहता है वो ऑरिजिन होता है, और जो एंड बोन के साथ मूव करता है वो इंसर्शन है। लेकिन ये भी देखा गया कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंसर्शन ही मूव करे, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसर्शन जो है वो फिक्स हो जाता है, ऑरिजिन वाली साइड से बोन मूव करना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से फिर उसे ऑरिजिन किस बात पे कहा जाए, तो इसलिए अब ये कहा जाता है ज़्यादातर कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट ऑफ मसल क्या है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि ऑरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है। अब ऑरिजिन इंसर्शन की टर्म्स बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास है मसल की क्या क्या चीज़ें होती हैं। मसल में जो सेंटर पोर्शन होता है मसल का, जिसमें फ्लेशी फाइबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं बेली ऑफ द मसल। उसके बाद हमारे पास जो और फ्लेशी बेली, ये दरमियान वाला पोर्शन, तो इसका बेली हो गया। फिर हमारे पास ये होता है कि आपने देखा होगा कि मसल दरमियान से तो होता है रेड से कलर का, साइड पे जाके इसके कोने हो जाते हैं वाइट वाइट से कलर के, जहाँ से ये बोन के साथ अटैच होता है, तो वो इसका पोर्शन जो एंड में जाके वाइट हो जाता है, जहाँ पर ये बोन के साथ अटैच होता है, वो एक्चुअली टेंडन होता है। टेंडन ऑलवेज अटैचेज मसल टू अ बोन, और वो बिल्कुल थिक फाइबरस सा होता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली मसल्स जो है हमारे, जैसे अपर और लोअर लिम के हैं, वो तो इस तरह के मसल्स हैं कि उनमें दरमियान में बेली होगी, साइड्स पे गोल गोल से टेंडन्स होंगे, जैसे आपने अक्सर जब कुर्बानी होती है जानवरों के भी देखे हुए होंगे। लेकिन कभी कभार कुछ जब आप एब्डोमिनल मसल्स पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी कि वहाँ पर मसल्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, वो इस तरह के बेली वाले मसल्स नहीं होते, फ्लैटेंड मसल्स होते हैं। जब फ्लैटेंड मसल्स ने बोन के साथ जुड़ना होता है, या एक दूसरे के साथ जुड़ना होता है, तो बीच में टेंडन आता है, तो उनका टेंडन भी फ्लैटेंड होता है, तो फ्लैटेंड टेंडन को हम एपोनिरोसिस कहते हैं, ठीक है जी, आप एब्डोमिन में मेनली पढ़ेंगे। फिर टर्म है जी आपकी रेफी। रेफी होता है कि अगर जो आपके मसल के फाइबर्स या फिर एपोनिरोटिक फाइबर्स जो हैं वो इस तरह से होंगे, इंटरडिजिटेशन हो रही हो, ठीक है, एक इधर से भी आ रहे हैं इधर से भी आ रहे हैं, तो फिर वो बन जाती है रेफी। ये भी आप एब्डोमिन में पढ़ेंगे, एब्डोमिन में आपके सेंटर में सारे के सारे आ रहे होते हैं एपोनिरोसिस, और वो आके राइट और लेफ्ट साइड के आपस में मिल रहे होते हैं, इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं, तो दरमियान में जो चीज़ बन जाती है उसको हम रेफी कहते हैं, ठीक है जी। फिर अगली चीज़ आ जाएगी कि कुछ वेसल्स को टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं। आर्टरीज, अब होता है कि हमेशा वो चीज़ें आर्टरीज को डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से कि वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये है जो उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली दी जाती है। कुछ बुक्स ये लिखती है डेफिनेशन कि वो वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, हम लाइकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो बेटर इज़ टू कॉल द डेफिनेशन कि आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है जी। और इनको हम ट्रीज की तरह कहते हैं कि आर्टरीज ब्रांच करके आर्टेरियोज बनाती हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, फिर कैपिलरीज से ब्लड जो है वेन्यूज में आते हैं, वेन्यूज जो है मिला के वेन्स बनती हैं, क्योंकि वेन्यूज छोटी छोटी मिलकर वेन्स बनती हैं, इसलिए वेन्स को हम ब्रांचिंग नहीं कहते, बल्कि वेन्स को हम कहते हैं कि उनकी ट्रिब्यूटरीज होने की वजह से वो रिवर्स को रिजेंबल करते हैं। जिस तरह छोटी 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 नालियाँ होती हैं और छोटी छोटी नहरें होती हैं, मिलके एक बड़ा दरिया बना देती हैं, इसी तरह छोटे छोटे वेन्यूज मिलके वेन बना देती हैं, और वेन्स वो वेसल्स हैं जो कैरी करती हैं जी आपका ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, ठीक है, जो सुनना चाहता है कोई भी। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि वेन्स वो हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट अम्बलाइकल और पल्मोनरी वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, और इसीलिए इतनी लंबी करने के बाद सीधा सीधा हम कहते हैं कि वो जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आए वो वेन है, ठीक है। कैपिलरीज एक्सचेंज वेसल्स हैं, छोटी सी होती हैं, आर्टरीज आर्टेरियोज में डिवाइड होती हैं, आर्टेरियोज जो हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, और ये कैपिलरीज नेटवर्क होता है हाईली ब्रांचिंग विद सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, जहाँ पर एक्सचेंज होती है किसी भी चीज़ की। उसके बाद एनास्टोमोसिस क्या है कि अगर आपके पास ऐसा हो के आर्टरीज़ आपस में एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है और आपस में जुड़ नहीं है, तो उनके दरमियान में कनेक्शन जो बनता है उसे हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, जब दो चार मुख्तलिफ इस तरह की आर्टरीज़ जो हैं वो जुड़ जाएं। और अक्सर औकात एनास्टोमोसिस आर्टरीज़ के दरमियान में होते हैं, कभी आर्टेरियोज़ के दरमियान में होते हैं, आर्टेरियोज़ जो हैं वो कैपिलरीज से पहले बनती हैं, इसलिए उन्हें प्री कैपिलरी वेसल्स भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बाद जो है वो कैपिलरीज बन जाती हैं, तो ये बात भी होगी हमारे पास। उसके बाद है जी कुछ जो बोन फीचर्स को टर्म डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, बोन्स में कुछ एलिवेशंस होती हैं। अब ये जो है ना टर्म्स डिस्क्राइब तो मैं इधर कर दूँ जनरल एनाटॉमी में, जनरल एनाटॉमी में आपसे शायद ही कोई पूछ रहे, लेकिन जब आप बोन्स को पढ़ते हैं ना अपर लोअर लिम की बाकी जगह की बोन्स, जब आप उन पे खुद एलिवेशंस को देखते हैं, देन आपको सही पता चलता है कि ये एलिवेशन क्या थी और इसको हमने उस वक्त जो पढ़ा था। अब इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो एलिवेशन हमारे पास होती हैं, ट्यूबरकल भी कहते हैं, ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं इसको हम, उसके साथ साथ हम देखें तो जैसे तीन में पहले डिवाइड करें, अगर लीनियर एलिवेशन उनने दिया हुआ है लाइन, लिप, रिज, क्रेस्ट। अब ये क्रेस्ट हो, लिप हो, लाइन हो,
ऑलमोस्ट सारी एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि बोन पे अगर एक उभार है, ऐसे सीधा सा उभार है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो जिधर बोन उभरी हुई है, ठीक है जी। अब उसे मैंने एक जगह पर क्रेस्ट कहा है तो दूसरी जगह रिज क्यों कहा है, तीसरी जगह उसे लाइन क्यों कहा है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिंपल सी बात है, इनमें वाकई में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ था कि जब बन रही थी तो किसी ने उसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया, तो वो वही नाम रह गया। क्रेस्ट और रिज ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, लेकिन किसी बोन में अगर उसका नाम रिज है तो उसे रिज ही कहा जाता है, किसी जगह क्रेस्ट है तो क्रेस्ट ही कहा जाता है। फिर जो शार्प एलिवेशन है हम बोन की, वो है स्पाइन, स्टाइलेट प्रोसेस, कॉर्नुआ एंड हेमिलस। अब आप इसको कहाँ कहाँ देखेंगे, स्पाइन तो आपको अक्सर बोन्स पे नजर आएंगे, जिस तरह सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पाइन है वो आपको स्कल की बेस पे नजर आता है, इतना लंबा सा स्पाइनस प्रोसेस होता है वो स्पाइन है। फिर स्कल की बेस पे आपको एक ऐसे करके कॉनिकल सा प्रोसेस नजर आता है, उसे कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस, या भी आपको स्कल की बेस पे नजर आएगा। फिर होता है उसे कॉर्नुआ, कॉर्नुआ सबसे इंपॉर्टेंट आपको नजर आएंगे, गले में बोन होती है हॉइड बोन, सेंटर में उसकी बेस होती है, साइड पे ऐसे दो उसके कान निकले होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्नुआ। और हेमुलस होता है, हेमुलस भी आपको स्कल में नजर आएगा, एक छोटी सी इस तरह शार्प सी प्रोजेक्शन होती है, उसे हेमुलस कहा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है रॉन्डेड एलिवेशन, ये भी मैंने आपको बताया कि टूबरकल, ट्यूबरोसिटी, एपिकोंडाइल, मेलिलस, ट्रोकेंटर, ये सारे होते हैं। और इनमें क्या डिफरेंस है, टूबरकल थोड़ी छोटी चीज़ को कहते हैं, ट्यूबरोसिटी थोड़ी बड़ी चीज़ को कहते हैं, ट्रोकेंटर उससे भी बड़ी चीज़ को कहते हैं, मेलिलस जो है वो आपकी स्पेशल पाँव के लिए इस्तेमाल होता है, मीडियल एंड लैटरल मेलिलस आपके पाँव के जो टखने हैं उनको एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास रेमस क्या होता है, रेमस ये होता है कि दरमियान का एक मेजर एरिया जिसके साइड पे कोई ना कोई चीज़ लगी भी हो, उसे दरमियान वाली एरिया को रेमस कहते हैं। डिप्रेशंस जो बोन्स में होती हैं, अब बोन है एक जगह से डिप्रेस्ड है, अंदर गई हुई है, ठीक है, उसको हम डिप्रेशन को पिट भी कह सकते हैं, फोविया भी कहते हैं, फोसा भी कहते हैं, ग्रूव भी कहते हैं। अगर वो ऐसे सीधी पूरी लाइन के फॉर्म में अंदर गई हुई होगी तो उसे मोस्टली ग्रूव कहते हैं, अगर ऐसे गोली सी होगी, गोल फॉर्म में अंदर गई हुई होगी तो उसे पिट, फोविया या फोसा, कुछ भी नाम अपनी स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से दिया जा सकता है। फिर बोन्स में ओपनिंग्स होती हैं, छोटी ओपनिंग्स को नॉर्मली फॉरमेन कहा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे सुराख होंगे अगर, तो अगर बड़ा सा होगा और ऐसे मतलब एक पूरी थिक सी बोन है और बोन के अंदर पूरा एक बड़ा सा सुराख ट्रेवल करा है तो उसे हम केनाल कह देते हैं। हाइटस कहते हैं अगर कोई रास्ता बना हुआ हो उस सुराख से, उसको हाइटस कह देते हैं। एक्वेडक्ट भी इसी तरह का एक नाम है, मतलब सारे मिलते जुलते नाम है, कोई ऐसा खास किस्म का डिफरेंस नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि स्पेसिफिक है, बट ये बोन्स के लिए आपको अलग अलग बोन में जो चीज़ जिस तरह होती है उसी तरह याद करनी होती है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।